बींग एज ए ह्यूमन बींग, अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए ये पूरी कायनात बनाई, ये कायनात हमें ऐसे तो नहीं बना दी ना, इसके लिए हमें उस अल्लाह ने हमें ये चीज़ सोचने में मजबूर किया कि हम इस पूरी दुनिया को देखें और इसमें से जो नेचुरल चीज़ें जो भी कुदरती और अहम मादनियात हैं उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल भी करें। तो इसी तरह रॉक्स भी एक नेचुरल फिनोमेना है जो अल्लाह ने हमें ज़मीन पे दे दिया है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ रॉक्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। नंबर वन इज़ इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द थर्ड इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो व्हाट आर इग्नियस रॉक्स? गोइंग इन टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अगर हम ज़मीन के तह के अंदर जाएँ, द टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द सेंटर, द टेम्परेचर एस्टिमेटेड टू बी 5000 सेंटीग्रेड। अगर हम ज़मीन के अंदर जाएँ, इन द सेंटर द टेम्परेचर इज़ एस्टिमेटेड टू बी 5000 सेंटीग्रेड, ड्यू टू विच हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर द मिनरल्स मेल्ट एन अ थिक इग्नियस मैटर मैग्मा इज़ फॉर्म। द मैग्मा विच कम्स आउट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म बाई दिस मोल्टन मैटर विच इज सोलिफाइज आइडर अंडर और ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन के अंदर एक लावा होता है और वो लावा जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है 5000 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर की वजह से, तो अंडर प्रेशर या बर्डन की वजह से वो बाहर निकल आता है। इस तरह इग्नियस रॉक्स फॉर्म होता है। ये देखें, ये इग्नियस रॉक्स है। अब ये देखें, ये मैग्मा है। जब इतना प्रेशर 5000 सेंटीग्रेड का इसके ऊपर पड़ेगा तो उसकी वजह से वो सारा मैग्मा बाहर निकल आएगा। इसको कहते हैं हम इग्नियस रॉक्स, राइट। फिर आगे इसकी अपनी टाइप्स हैं।